नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है और इसमें तमाम उन देशों की बड़ी हस्तियां जो हैं वो पहुंच चुकी हैं जो G20 के सदस्य हैं। इस अद्भुत नजारे के बीच दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एक अद्भुत करिश्मा देखने को मिला। कार्यक्रम में सभी राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी की बात पर मुहर लगाते नजर आए। समिट के उद्घाटन के साथ ही भारत की तरफ से जैसे ही पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को लेकर ऐलान किया, जिस पर सभी ने भारत के इस फैसले पर सहमति जता दी है, यह अपने आप में भारत की एक बड़ी जीत है। तो इधर अफ्रीकन यूनियन ने पीएम मोदी का इसके लिए आभार प्रकट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है, जिस पर प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है कि हेवम लोकश हित मुखेति अथ इयम नातेषु हेवम, अर्थात मानवता का हित और उसका कल्याण सुनिश्चित हो। यानी 2500 साल पहले से ही भारत मानवता के कल्याण को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुका है। भारत की इसी भूमि से यह संदेश पूरी दुनिया को दिया गया था और ऐसे में अभी 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है, क्योंकि कई साल पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं। जिस तरह से भारत ने दुनिया को शून्य दिया, उसी तरह से हिंदुस्तान पर दुनिया के तमाम उन देशों की निगाहें हैं जो कुछ नया हमसे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि COVID-19 के बाद दुनिया में बहुत बड़ा संकट, जिसमें विश्वास का अभाव बना, एक बड़ी बात है इस शब्द पर गौर करना, विश्वास का अभाव पनपना, यह कहीं ना कहीं एक चुनौती है। युद्ध ने ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। कौन से युद्ध की बात कर रहे थे पीएम मोदी, ये सब जानते हैं। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो आपसी अविश्वास के तौर पर आए संकट को भी हरा सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर दुनिया के इन तमाम मुल्कों से अपील करते हुए कहा कि जो इन देशों के बीच में एक आपसी विश्वास कम हुआ है, इस विश्वास को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। हम सब मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास और एक भरोसे में बदलना है हमें। यह सबको साथ मिलकर चलने का समय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मंत्र हम सबके लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। यानी भारत ने एक बार फिर से दुनिया के सामने उन तमाम बातों को रखा जो अनादिकाल से हमारे देश की परंपराएं रही हैं, और इन परंपराओं का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब ये बातें कही जा रही थी तो उन्होंने एक बड़ी बात इस बीच कही कि अफ्रीकन यूनियन को भी इसका सदस्य बनाने के लिए आप लोग क्या कहते हैं, उस प्रस्ताव पर सबने मुहर लगा दी। ये भारत की इस खास सम्मेलन में बहुत बड़ी जीत कही जाएगी और अफ्रीकन यूनियन के लिए भारत जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनकर उभरा है जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे थे। उन्हें उम्मीदें थी कि इस बार इस G20 सम्मेलन में भारत कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आने वाला है और वो सौगात उन्हें आज मिली भी है। बरसों पुरानी चुनौतियों को कैसे खत्म करना है, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। मेरे साथ आज इस चर्चा में बातचीत करने के लिए मौजूद है कैप्टन आई सिंह, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार हैं, दोनों का बहुत स्वागत है। और प्रियंका राय दिल्ली से हमारी सहयोगी, लगातार इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए। पहले प्रियंका के पास चलते हैं, क्या जानकारी प्रियंका आज आपके पास, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से दो तीन बड़ी बातें कही गई। अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाया जाना चाहिए, सदस्य बन गया, और एक बात बड़ी और बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो अविश्वास, जो दूरियां पैदा हुई हैं, इन अविश्वास को, दूरियों को खत्म करके सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये सब होना बहुत जरूरी है। प्रियंका जी, बिल्कुल। देखिए, G20 की मीटिंग चल रही है, साफ पहला दिन है, और जिस तरीके से लगातार कल भी हमने देखा कि कुछ बायलेटरल्स मीटिंग हुई और उसके बाद लगातार आज सुबह से ही भारत मंडपम में G20 की बैठक हो रही है, जिस बैठक में हमने बहुत कुछ ऐतिहासिक ऐसे भारत साफ तौर पर कहता कि अपने आप को तकनीकी दिक्कत मुझे नजर आती है, नेटवर्क का इशू लग रहा है। मुझे लगता है कि इसको एक बार ठीक किया जाना चाहिए। और आपके पास लौट रहे हैं मेरे साथ कैप्टन राय सिंह भी हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी हैं। अगर दोनों मेहमान जुड़ गए तो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आया जाए, बातचीत करना चाहेंगे उनसे। डॉक्टर द्विवेदी से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार हैं और आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी जुड़ गए हैं। दत्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में जुड़ने के लिए।
फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर मनन द्विवेदी हैं और कैप्टन नायर सिंह भदौरिया मेरे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है। और प्रियंका आपके पास लौटूंगा, तब तक आप नेटवर्क को थोड़ा सा ठीक करा लें। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर मनन द्विवेदी आपसे करना चाहूंगा, दो तीन बड़ी बातें आज के इस आयोजन के दौरान देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जो विश्वास कम हुआ है, ये इशारा किस तरह प्रधानमंत्री करना चाहते थे, भरोसा कम हुआ है और उस भरोसे को हमें वापस हासिल करना है, ये निशाना कहां पर था? और दो बातें और कही उन्होंने, आतंकवाद का जिक्र किया, एक साइबर सिक्योरिटी का जिक्र उन्होंने किया। इन तीन बातों को लेकर मैं डॉक्टर द्विवेदी से जानना चाहूंगा कि आज इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी दुनिया के तमाम उन मुल्कों को क्या बताना चाह रहे थे जो इस कार्यक्रम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या है जिसके प्रति विभिन्न देशों का विभिन्न रिस्पॉन्स है, विभिन्न उनके रिस्पॉन्सेज हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फेस की 2014 में आते ही और अपने नमो 2.0 में भी, कि जो कोई भी राष्ट्र टेररिज्म की या आतंकवाद की एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन को देने को तैयार नहीं था, कोई भी राष्ट्र आगे आने को तैयार नहीं था और काफी हद तक आगे नहीं भी आए राष्ट्र। और भारत मोदी जी के थ्रू और जयशंकर जी के थ्रू एक ऐसा पहला राष्ट्र है, अगर हम आईसीजे के स्टैट्यूट्स और आईसीजे के जुरिस्प्रूडेंस को छोड़ दें तो भारत ने डिफाइन किया टेररिज्म को एक राजनीतिक और कूटनीतिक डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि की आतंकवाद की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। तो पहली बात तो ये आतंकवाद की है। और जहां तक म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि अमेरिका ने भी कुछ ऐसे प्रपोजल्स भेजे जिनका कभी कभी हम लोगों ने भी उसका इतना अच्छे तरीके से अच्छे प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जहां तक म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, रशिया और अमरीका इनके बीच संबंध खराब होते गए। पहले ट्रंप के काल में देखें तो हम पाएंगे कि रशिया पर लगातार ब्लेम किया जाता रहा कि अमरीकी चुनावों में इनका हस्तक्षेप रहा है और अमरीकी चुनावों को पैसों से खरीदा गया है। उसके बाद जॉर्जिया की क्रीमिया को कब्जा लिया रशिया ने और उसके बाद यूक्रेन वॉर हुआ। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर हम लोगों को एक बात करनी चाहिए, वो है मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी को तीन राष्ट्रों ने वैसे माना जाता है, पहले एडवांस किया अंतरराष्ट्रीय राजनीति के रजत पटल पर, पहले जापान, कनाडा और स्विट्जरलैंड। पर हम देखें तो हम पाएंगे कि भारत को हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हमारा प्रिय राष्ट्र है, हम लोग यहाँ के नागरिक हैं और कल्चरल एम्बेसडर्स हैं। तो भारत हमारे वेदास में, हमारे सनातन धर्म में और हमारी जो जो हमारी वैदिक अंडरस्टैंडिंग है उनमें ये सारी बात पहले ही कही जा चुकी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि जहां पर 20 राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं उस स्थान से 2-3 किलोमीटर दूरी एक ऐसा स्तंभ लगा हुआ है जहां पर मानव मात्र की के विकास और प्रोस्पेरिटी की संभावना को बाहुल्य दिया गया है, प्रमुखता दी गई है। तो आतंकवाद की बात हमने की और हमें यहाँ पर मानव सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए, जिसके चलते कुछ जलवायु के मुद्दे, कार्बन, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे, फूड सिक्योरिटी के मुद्दे, साइबर सिक्योरिटी के मुद्दों के बारे में भी हम यहाँ बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं विश्लेषण में ये कहना चाहूंगा कि जलवायु के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में भारत ने एक सफल और सुगठित नेतृत्व प्रदान किया है पूरे विश्व को। और जिस तरीके से जयशंकर जी ने 3-4 दिन पहले अपना इंटरव्यू डीडी में दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बात तो सभी राष्ट्र करते हैं कि ग्लोबल साउथ की वॉइस होनी चाहिए, परंतु इसे प्रोएक्टिव मैनर में और पुरजोर तरीके से और बड़े कार्यशील मैनर में आगे लाने का जो रोल है वो भारत और G20 के राष्ट्र अदा करेंगे। बिल्कुल। तो और अगर साइबर सिक्योरिटी की जैसे मुझसे बात की गई है, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर एक हल्के आकलन को देखें तो एक वैन वहां पर प्रगति मैदान में खड़ी हुई है, किसी भी तरह की कोई साइबर दुर्घटना होती है, किसी भी तरह की साइबर अटैक होता है, तो भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसको रोकने के लिए तैयार हैं। और अंतिम बात मैं क्या कहना चाहूंगा
कि जो वर्ल्ड है साइबर सिक्योरिटी के कनेक्शन में ही, ये एक सिमलकरा है। बॉडरीलाड ने ये बात बोली है, सिमलकरा ऐसे है कि हर चीज वर्चुअल है, हर चीज वर्चुअल है। पेंडेमिक के बाद और यूक्रेन रशिया वॉर के बाद वर्चुअल ऑन स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन और ऑनलाइन मैनर पे ही कूटनीति होती है, राजनीति होती है, और वैश्विक गुड की बातें भी ऑनलाइन तरीकों से ही अपनाई जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा द्योतक है हमारा ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस, जिसकी बात आपके चैनल ने बड़े ही पुरजोर और अच्छे रूप से कही है जी। तो ये कुछ बातें हैं, पर मानव सुरक्षा ह्यूमन सिक्योरिटी इसके ऊपर हमें जोर देना है। विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर भी बात की गई है, और भले ही हम युद्ध की बात करें, यूक्रेन वॉर का इश्यू डिक्लेरेशन में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, और जो डिक्लेरेशन है वो क्या प्रारूप लेगा, इन बातों के बारे में भी चर्चा किए जाना, इन पर चर्चा करेंगे। परंतु विनोद दत्ता जी के पास जाऊंगा तो इस वॉर पर भी बात करेंगे, उनसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले प्रियंका के पास चलते हैं, छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। प्रियंका, आपके पास क्या अपडेट आज दिन भर का मिल रहा है, जरा बताएं। आज बिल्कुल, देखिए पहले जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मीटिंग थी वो वन अर्थ के थीम पर थी, और साफ तौर पर उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके साथ ही साथ किस तरीके से ग्रीन डेवलपमेंट करना है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। उसके साथ ही साथ हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिसके समर्थन में तमाम G20 कंट्रीज भी शामिल हुए। अफ्रीकन संघ की घोषणा की गई कि वो भी G20 में शामिल होगा, यानी कि अब ये समुदाय आने वाले समय में G21 के नाम से जाना जाएगा। और काफी ये चीज एंटिसिपेटेड था कि इस बैठक में जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसमें अफ्रीकन संघ को जगह दी जाए। देखिए शमशेर, समझने वाली बात है कि आखिर अफ्रीकन संघ के लिए भारत इतना ज्यादा प्रोमोटिव क्यों था, क्योंकि जिस तरीके से भारत लगातार अपने आसपास के क्षेत्रों को, फिर या ये कह सकते हैं कि आसपास के देशों के साथ अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलप करने में लगा हुआ है, और जिस तरीके से इस रिलेशनशिप का इफेक्ट भारत के डेवलपिंग होने पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी परिस्थितियां क्रिएट करता है। और क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो साफ तौर पर अफ्रीका का शामिल होना भारत को बहुत सारे फायदे देगा। जिस तरीके से चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, और आयात निर्यात भी चाइना का जो अफ्रीकन कंट्री के साथ है वो बहुत ज्यादा है। और क्योंकि एशियन कंट्री में चाइना के बाद अगर कोई देश बहुत ज्यादा अपने आप को प्रमोट करता है और क्षमता रखता है इन तमाम चीजों में, तो वो भारत है। और जिस तरीके से भारत के साथ अफ्रीकन देशों की कूटनीति है वो बहुत फ्रेंडली रही है, और शायद इसी वजह से हम देखते भी रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनके साथ भारत लगातार संपर्क में रहता है। लेकिन अफ्रीकन संघ के इसमें शामिल होने से ऐसा देखने को मिलेगा कि जो 12 ऐसे सिटीज हैं अमेरिकन संघ में जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है या अर्थव्यवस्था में वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो भारत की ओर शिफ्ट करती हुई दिखाई देंगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये G20 कंट्रीज है, या आप ये कह सकते हैं शमशेर G21 आने वाले दिनों में जो दिखाई देगा वो भारत के लोहे को मानता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत तमाम क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहा है, चाहे बात करें चंद्रयान की या फिर बात करें हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने की, हेल्थ सेक्टर में डेवलप करने की, तो इन तमाम चीजों में भारत की कैपेसिटी साफ तौर पर खुल के दिख रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के पास कुछ चैलेंजेस होते हैं, और भारत क्योंकि डेवलप कर रहा है तो कुछ चैलेंजेस भारत के पास भी है। साफ तौर पर भारत का एम है कि आने वाले समय में हमें अपने आप को काफी महत्वपूर्ण तरीके से इकोलॉजिकली ग्रो करना है, इकोनॉमिकली ग्रो करना है, फाइनेंशियली स्टेबल करना है। तो इन तमाम चीजों, इन तमाम एस्पेक्ट के इर्द गिर्द भारत में होता हुआ बैठक, भारत में होता हुआ समिट काफी महत्वपूर्ण है। और अभी से कुछ देर बाद यानी कि 3 बजे का समय होगा जब हम देखेंगे कि दूसरे सेशन की शुरुआत हो जाएगी, और उसका थीम जो है वो वन
वन फ्यूचर होगा, यानी कि साफ तौर पर किस तरीके से जो देश है उसको ग्रो करना है और किस तरीके से इंक्लूसिवली सबके साथ और सबके सहयोग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री ने शायद ये मंत्र भी दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास काफी महत्वपूर्ण है। और भारत स्थिति जो ये पूरा थ्योरी है इस पे बिलीव करता है, और शायद भारत की यही जो परंपरा है वो भारत के तमाम चीजों में दिख रही है और भारत ग्रो कर रहा है। देखिए एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हमने भारत मंडपम से देखी कि तमाम देश के अलग अलग राज्यों के कल्चर्स का स्टॉल लगाया गया है, और वहां पर चाहे हरियाणा हो चाहे हिमाचल हो, इन तमाम चीजों के स्टॉल्स को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है, और साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक कनेक्ट किया गया है। तो इस कनेक्टिविटी के पीछे भी यही कारण है कि भारत का जो कल्चर है या फिर जो पुरानी परंपरा है वो बहुत कुछ सिखाती है, और उस परंपरा से भारत के पास शक्ति है कि भारत लीड कर सकता है, और उसी परंपरा का इस्तेमाल करते हुए भारत अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नई पहचान और उड़ान दे रहा है। और जितने भी अतिथि यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको ये दर्शाने और दिखाने की कोशिश भी की गई है, भारत एक सुपर पावर की तरह काम कर रहा है, और इतनी जनसंख्या के बावजूद भी भारत के पास वो क्षमता है कि वो हर एक व्यक्ति के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ग्रोथ की ओर ले जा सकता है। और शायद इस बात को समझते हुए तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उसके साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन तमाम चीजों के साथ भारत ग्रो कर रहा है। और शायद इसी बात को तमाम जो राष्ट्र देश है या फिर हमारे साथ कोर्डियल रिलेशन जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने इस बात को समझा भी है, जाना भी है, और शायद इसी वजह से भारत की जो कोशिश रही थी कि G20 उसके देश में हो यानी कि भारत में हो, तो 9 और 10 तारीख ये दोनों दिन काफी महत्वपूर्ण थे, और आज का दिन जिस तरीके से हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा काफी महत्वपूर्ण नजर आया। ठीक है प्रियंका, लौटूंगा आपके पास इस बीच, एक बड़ी जानकारी दर्शकों को बता देते हैं, अहम खबर G20 को लेकर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। अब दिल्ली पहुंचे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को G20 के डिनर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति मुर्मू ने रात्रि भोज के लिए जिनको आमंत्रित किया तो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमाचल के सीएम पहुंचे हैं, बड़ी जानकारी आपको देते हैं, लगातार सभी मुख्यमंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया, हालांकि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कारणों के चलते, कुछ और कारणों के चलते इसमें शामिल नहीं हो रहे, लेकिन इस बीच मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्त भी बने हुए हैं, उनसे जरा बातचीत करना चाहेंगे। ब्रिगेडियर विनोद दत्त, आपसे जरा मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भारत की अध्यक्षता में जो कुछ इंगित किया गया, कुछ इशारा किया गया, और इशारा आप जरा बता पाएंगे कि किस तरफ किया गया है। मैंने शुरू में एक बात की थी आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हमारे पड़ोसी दो बड़े देश है, जिसमें पाकिस्तान का नाम है, दूसरा नाम चाइना का नाम है। भारत यह भी बताना चाहता है वैश्विक समुदाय को कि देखिए हम इन दो चीजों से जूझ रहे हैं, दुनिया को सामना जरूर करना पड़ रहा है लेकिन हमारे सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। दूसरा, विश्वास का जिक्र करते नजर आए, विश्वास का अभाव, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि कोरोना संकट काल के चलते, लेकिन यह विश्वास लगातार हम पड़ोसी मुल्कों से प्राप्त करने की, हासिल करने की कोशिश करते रहे पर हर बार विश्वासघात वहां से होता है। रक्षा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास पीएम मोदी ने किया आज? देखिए, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि भारत इस मेजबानी से अपना एक जो प्रोजेक्शन है वो विश्व पटल पे रखे जी। और भारत उसमें काफी हद तक सफल हुआ है। रही बात विश्वास की और टेररिज्म की, तो भारत ने कई बैन अलावामी स्तर पे इस बात का मुजाहिरा किया है, इस बात का एक्सप्रेस, अभी आप देखिए कुछ दिनों पहले रुचिरा कंबोज ने बड़े कड़े शब्दों में यूनाइटेड नेशंस में भारत का पक्ष रखा था और उसको सभी ने सराहा। या और अगर आप ये देखें कि भारत का इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था, और दोनों ही देश विश्वासघात के लिए जाने जाते हैं। चीन का उद्देश्य ये रहता है कि वो अकॉर्ड या करार करने में तो सबसे आगे रहता है लेकिन उनको फॉलो नहीं करता, या गोलोस चेंज कर देता है, या अपने जो कही हुई बात से पीछे हट जाता है। तो भारत को चाहिए कि विश्व स्तर पे, दूसरी चीज देखिए, मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी में डिप्लोमेटिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई
कई बार इस तरह की चीजें हमें उजागर करनी चाहिए, खासकर यूनाइटेड। अब जैसे रुचिरा कंबोज जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, भारत का पक्ष रखा था और पूरा बिल्कुल तालियों से उसका खैर मकदम किया था। तो भारत ने ये बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि जिस तरह के हमारे चैलेंजेस हैं वो हम उनसे जूझ रहे हैं, लेकिन भारत केपेबल है। भारत एकदम एक ऐसा देश है जो अपना इतिहास अब खुद लिखेगा, वो जमाने लग गए साहब। और एशिया में अगर जैसा भी उन्होंने बताया आपके एंकर ने भी कि एशिया में भारत के बगैर ये सदी कंप्लीट नहीं होगी। चीन ने अपना भरसक प्रयास कर लिया है लेकिन चीन इसमें कामयाब नहीं हुआ है, तो चाहिए चीन को कि भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम करे जिससे अगली सदी, जो एशिया की सदी जिसे कहा जा रहा है, उसे मुकम्मल किया जा सके। और इसकी तरफ भारत ने बिल्कुल अपना जो निश्चय है एकदम बिल्कुल बरकरार किया है, और जिसे कहते हैं ना भारत की जो पॉलिसी है आयरन फिस्ट विद वेलवेट ग्लव, भारत का जो सुदृढ़ तरीका है, जो उसकी पॉलिसीज है, भारत उससे हिलने वाला नहीं है और सॉफ्ट पावर का भारत इस्तेमाल करता है। आप देखिए भारत ही एक ऐसा देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम तो अभी इस सम्मेलन का थीम रखा है, हमारे यहाँ तो सदियों से जब प्रार्थना होती है तो सबसे अंत में यही कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। तो ये जो धारणा है, ये जो हमारे बच्चों में सिखाया जाता है, ये जो आने वाली पीढ़ी में सिखाया जाता है, ये सदियों से भारत करता आया है और विश्व जानता है। आप देखिए इंपीरियलिज्म अगर हमारे अंदर होती तो हम बांग्लादेश को अपने देश में मिला लेते जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, लेकिन भारत ने उसको एक अलग देश बना के रिकॉग्नाइज कर दिया, 13 दिन में उसको आजाद करा दिया पाकिस्तान के चंगुल से। और भी कई देशों का आसियान में देखिए, अभी थोड़े दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे और वहां चीन की जो सुगबुगाहट है, चीन का जो अंदर से डर है वो निकल के आ रहा है, और उसने वहां वक्तव्य दिया था कि कोई भी देश कोई ऐसा कोल्ड वॉर इस एरिया में शुरू न करे क्योंकि आसियान के देश भारत में अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं न कि चाइना में। तो ये सब चीजें, गंगा मेकोंग जो अकॉर्ड हुआ था जिसमें शिवशंकर साहब बोले थे, बड़ा अच्छा बोले उन्होंने, और वहां के जो देश हैं जो वो भी गुर्बत से गुजर रहे हैं, भारत ने हमेशा उसका उनका साथ दिया है और उनको आश्वासन दिया है। एक सवाल मैं करूंगा, उससे पहले बड़ी जानकारी सामने आ रही है, द्विवेदी जी से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। भारत मंडपम में G20 समिट इस वक्त चल रही है, दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, लगातार खबरें आ रही हैं। समिट में अटका रूस यूक्रेन का मामला, इस पूरे प्रकरण पर निगाहें सबकी हैं। रूस यूक्रेन मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है और जब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई सहमति यहां पर नहीं बनती है तो इस वॉर को किसी भी लिहाज से अगर लगे कि शांति बहाल करने की तरफ प्रयास हो सकता है, उन प्रयासों पर ये कहीं ना कहीं ब्रेक लगा सकता है। तो रूस यूक्रेन मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है, ये जानकारी मिल रही है। और एक और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही, वो भी आपको बता देते हैं। G20 के लिए पहले सत्र में फैसला लिया गया, यूरोपियन संघ करेगा 4 बिलियन यूरो का निवेश। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का ऐलान, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन में निवेश करने की बात कही गई है। तो जो बड़े फैसले हैं उनको लेकर खबरें सामने आने लगी हैं। G20 के पहले सत्र में बड़ा फैसला लिया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जिसमें 4 बिलियन यूरो का निवेश करने की बात कही गई है। EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का इसमें ऐलान है। मेरे साथ इस वक्त कैप्टन आई सिंह भदौरिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी जरा रिएक्शन लेते हैं। भदौरिया साहब, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तमाम राष्ट्रों के अध्यक्ष प्रमुख लगातार पहुंच रहे हैं, लगभग पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले इमैनुअल मैक्रों का भी आगमन हुआ है। मैं आपसे समझने का प्रयास करता हूं कि इस पूरे आयोजन को लेकर अब तक की जो स्थिति है, जिस दिशा में G20 सम्मेलन जा रहा है, उससे बीजेपी को खासकर पार्टी के लिहाज से बात करेंगे, सरकार के लिहाज से कितना या आप लोगों को लगता है कि बेहतर कदम और बेहतर प्रयास आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? भदौरिया साहब, चले संपर्क भदौरिया से नहीं हो पाया। अब मैं सवाल डॉक्टर मनन द्विवेदी आपसे करना चाहूंगा, इसमें यूरोपियन यूनियन का जिक्र होता है और अब जो अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आती है कि अफ्रीकन यूनियन को भी जो है इसमें शामिल किया गया, जो कच्चे उत्पाद पर अपना एक अच्छी खासी पकड़ रखता है। जैसे प्रियंका हमारी सहयोगी बता रही थी कि वहां पर चाइना की नजर भी बड़ी है, लेकिन एशिया महाद्वीप में अगर बात आएगी तो उन लोगों के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
और भारत ने जो पहला कदम आज बढ़ाया है, इसको अगर आने वाले कुछ दशकों तक देखना मैं चाहूं तो किस नजर से देखा जाना चाहिए कि भारत की जो उपयोगिता भूमिका है अफ्रीकन देशों के साथ कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज मेजबानी हम कर रहे हैं, मेहमानों के मेहमान नवाजी कर रहे हैं और अफ्रीकन यूनियन को हम इसका सदस्य बनवा चुके हैं। मैं यहां पर यह बात कहना चाहूंगा कि जहां तक अफ्रीका का प्रश्न उठता है तो अफ्रीका के लिए 2015-16 और कुछ वर्षों से पहले से भी अफ्रीका और भारत के संबंधों के बारे में ये बात बड़ी प्रखर रूप से, बड़ी नेचुरल रूप से सामने आती थी कि क्या भारत इंडिविजुअली अफ्रीकन राष्ट्रों के साथ बातचीत करे और द्विपक्षीय सॉल्यूशंस को ढूंढे अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर अफ्रीका को भी पूरे कॉन्टिनेंट को एक बड़ी रीजनल कमोडिटी, रीजनल कम्युनिटी की तरह सामने रख के भारत इसको डील करे। तो ये बेसिकली एक नॉमनक्लेचर की बातचीत की बात थी, पर जहां तक अफ्रीका का विषय है हमें ये समझना चाहिए कि पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें, पिछले कुछ माह में हम देखें तो हम पाएंगे कि गेबोन में, नाइजर में और ऐसे कई सूडान में कूज हो चुके हैं। तो जहां तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, राजनीतिक स्थिरता की बात है, वो कुछ राष्ट्रों में, स्पेशली सब सहारन अफ्रीका के राष्ट्रों में नहीं है। और जहां तक अफ्रीका की हम बात करें तो हम पाएंगे कि चीन ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का जाल कुछ डेकेड से इनफैक्ट अफ्रीका में फैला रखा है। इसके चलते होता यह है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट तो आता है, पर जो प्रोजेक्ट्स लिए गए इसको आकलन के बाद कई विशेषज्ञों ने जाना कि बड़े प्री प्लांड वे में काम नहीं किया गया, जॉब इंप्लॉयमेंट के कंसर्न्स को भी मद्देनजर रखा गया, पर उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाए जितना कि अफ्रीकी राष्ट्रों को चीन के साथ उम्मीद थी। तो और सबसे बड़ी बात है, चीन ने अमरीका और भारत के साथ, भारत को अलग रखते हुए चीन ने अफ्रीका को और लैटिन अमेरिका का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, एक तरीके का रीजनल अखाड़ा बना दिया। तो अफ्रीका के रिसोर्सेज को, उनकी हेरिटेज को, उनकी संस्कृति को, उनके इतिहास को और उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की एक तरह की भ्रामक नीति चीन ने बनाई, और जिस तरीके से सीपीसी और उसी तरीके से देखा जा सकता है कि डॉक्टर द्विवेदी इसको उस तरीके से देख सकते हैं कि क्या जिस तरह से इंग्लैंड की बात हम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, जब हमने देखा एशियन कंट्रीज के साथ किस तरह से बिहेव रहा था यूके का, तो क्या आज हम चाइना को उस जगह पर रखकर देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के लिहाज से? छोटा सा रिएक्शन आपका द्विवेदी साहब। आप अपना प्रश्न फिर बोलेंगे। जिस तरह से यूके का जिक्र आता रहा पहले, जिन तमाम मुल्कों पर आधिपत्य रहा उसमें एशियन कंट्रीज का भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़े पैमाने पर उनका अधिकार था, लेकिन ये धीरे धीरे देश वहां से निकले, अपने आप को उभारा, अब क्या चाइना की वही नजर अफ्रीकन कंट्रीज पर है उस तरीके की? चाइना की जहां तक नजर है, उनकी बुरी नजर, उनकी जो मेन पॉलिसी है वो कंटेनमेंट ऑफ अमेरिका और कंटेनमेंट ऑफ इंडिया है, और वाइस वर्सा अमेरिका की भी यही नीति है कंटेनमेंट की। हम कोल्ड वॉर के कंटेनमेंट की, शीत युद्ध के कंटेनमेंट के सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। और जहां तक अफ्रीका की और चीन की बात है, वहां पर एक तरीके की सलामी स्लाइसिंग, जो कॉलोनियल पावर्स, यूरोपियन पावर्स ने जो सलामी स्लाइसिंग की अफ्रीका की और उन्हें रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बाउंड्रीज के बीच में डिवाइड किया गया और उनका शोषण किया गया और वहां पे उपनिवेशिकतावाद की बात पूरी तरीके से हावी रही, सच्चाई रही, वैसे ही चीन ने अपना इंपीरियलिज्म, चीन ने अपनी हेजिमोनी, अपना एक्सपेंशन और अपनी विस्तारवाद की नीति को अफ्रीका में पूरी तरीके से अपनाया है, और इसको सॉफ्ट पावर के थ्रू, और जिसको लोग कहते हैं कि सॉफ्ट पावर कुछ और है और चीन का एजेंडा या किसी और राष्ट्र का एजेंडा कुछ और है, इस तरीके से इसको उस पर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर बनाकर रखे हुए हैं। और इस G20 सम्मेलन में इन तमाम चीजों को भारत भी समझ रहा है और तमाम देश भी समझ रहे हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, या फिर इस G20 सम्मेलन में जो लोग पहुंचे हैं। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ प्रियंकर आय सिंह जी, नमन द्विवेदी जी, दत्ता साहब चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।